प्लेस्टेशन को गेमिंग का सबसे बड़ा मीडियम माना जाता है। इट्स अ ब्रांड जो कि 30 सालों से गेमिंग को रीइनोवेट कर रहा है एंड हैज हंड्रेड्स ऑफ गेम्स इन देयर गैलरी। लेकिन सैडली सब गेमर्स प्लेस्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए इन एक्सक्लूसिव टाइटल्स को खेलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं आपको 10 ऐसे एक्सक्लूसिव गेम्स बताऊंगा जो कि ओरिजिनली तो प्लेस्टेशन टाइटल्स हैं, लेकिन बाद में देवर ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ पीसी रिलीज। वीडियो को शुरू करूंगा वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस्टेशन टाइटल के साथ, एंड दैट इज डेज गॉन। इसके लॉन्च पर क्रिटिक्स ने इसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं दिए, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस गेम आई हैव टू से कि ये जेन्युइनली एक वन ऑफ अ काइंड ज़ॉम्बी गेम है। यहाँ वी हैव अ ह्यूज ओपन वर्ल्ड मैप जो कि एक बहुत ही डिटेल्ड और स्टनिंग एनवायरमेंट देता है, और इसे एक्सप्लोर करने के लिए यू विल हैव योर ओन बाइक जिसकी हैंडलिंग इज टू स्मूथ। अब एज अ ज़ॉम्बी गेम आप यहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि बाकी ह्यूमन से भी लड़ेंगे एंड even face infected animals throughout the campaign. और अब कैंपेन की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं दैट दिस गेम हैज अ 20 आवर लॉन्ग स्टोरी जो कि स्टार्टिंग में स्लो लग सकती है, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल आपको इस गेम के बेस्ट पार्ट्स एक्सपीरियंस करने मिलेंगे, जिसमें से माय फेवरेट सेक्शन वाज फाइटिंग हंड्रेड्स ऑफ ज़ॉम्बीज। फिर है होराइजन जीरो डॉन, एक एक्शन आरपीजी जो कि 2017 में रिलीज हुआ था एंड गॉट इट्स पीसी रिलीज 3 इयर्स लेटर। इससे पहले मैं इसके गेम प्ले की बात करूं, मैं स्पेसिफिकली इसके वर्ल्ड डिजाइन और विजुअल्स को प्रेस करना चाहूंगा। आई मीन द आर्ट स्टाइल ऑफ दिस गेम इज रियली यूनिक, जहां यू विल एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड जो कि पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेटिंग में एनिमी मशीन से भरा हुआ है। वी प्ले एज अ हंटर नेम्ड एलॉय जो कि सिर्फ स्पीयर और बो एंड एरो का इस्तेमाल करेगी, और इसी से वी विल बी हैविंग अवर स्टेल्थ एंड कॉम्बैट जो कि ह्यूज सेट ऑफ अनलॉकेबल मूव्स देता है। अब एज एन ओपन वर्ल्ड आरपीजी यहाँ आप कई से एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे और एनपीसी से इंटरैक्ट करेंगे, और इन सबके बीच हम इन एनिमल शेप्ड रोबोट से लड़ेंगे वेयर यू कैन स्कैन देम फॉर देयर वीकनेस। इन ऑल ऑनेस्टी होराइजन को मैं इसकी स्टोरी नहीं बल्कि वर्ल्ड और गेम प्ले के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि मेरे लिए तो एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस था। अगला गेम है Uncharted 4 जो कि विदाउट अ डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्टेशन गेम्स माना जाता है, एंड आफ्टर 5 इयर्स सिंस इट्स ओरिजिनल रिलीज हमें फाइनली ये गेम पीसी पर खेलने मिला इन 2021। जो लोगों ने ये गेम्स कभी ट्राई नहीं किए उन्हें भी पता है कि Uncharted हैज सम ऑफ द बेस्ट एक्शन सेट पीसेस इन गेमिंग हिस्ट्री। आई मीन ये सेक्शंस इतने आइकॉनिक है कि इन्हें नॉन गेमर्स ने भी कभी ना कभी देखा ही होगा। यहाँ हमें वो हर चीज मिलती है जो कि एक एक्शन गेम को ग्रेट बनाता है, लाइक थर्ड पर्सन शूटिंग या हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड इवन स्टेल्थ जो कि इसके ट्रेवर्सल के साथ बड़े ही स्मार्टली मिक्स किया गया है। Also, Uncharted 4 के huge open-ended areas आपको next level immersiveness देते हैं, जहां we'll discover some awesome locations and unique puzzles, जो कि इस game को एक perfect cinematic experience बनाते हैं। Next on the list is the one and only GTA 5. अब GTA 6 के ट्रेलर के बाद हम सबकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास GTA एक्सपीरियंस करने का सिर्फ एक ऑप्शन है, एंड दैट इज टू रीप्ले दिस मास्टरपीस अगेन। इवन दो ये टाइटल PS3 एरा में आया था, इसे अभी भी री रिलीजेस मिल रहे हैं फॉर ऑल द लेटेस्ट कॉन्सोल्स। और इस वीडियो के लिए जब मैं इसे वापस खेल रहा था तो मैं शॉक्ड था कि हाउ ग्रेट दिस गेम लुक्स इवन आफ्टर अ डेकेड। यू कैन क्लियरली सी कि रॉकस्टार ने इसे पीसी के लिए बहुत ही टाइम लगाकर ऑप्टिमाइज किया, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑप्शंस एंड डिटेल्स यू गेट इन दिस गेम बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के इज ट्रूली अमेजिंग। सीरियसली ये गेम इतना मेमोरेबल है कि इवन आफ्टर कंप्लीटिंग it so many times मैं अब भी इसे उतना ही enjoy करता हूँ, and the best thing about it is its huge world जहाँ आप almost 100 hours invest कर सकते हैं without getting bored। लेकिन sadly जितना huge इसका map है उतना ही huge इसका price भी है, जिसे सब लोग afford नहीं कर पाते, तो इन games को officially buy करना हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको एक website के बारे में बताऊंगा called the game keys, जो कि आपको ये सारे AAA games बड़े ही reasonable price में देते हैं। यहाँ आप इन गेम्स का एकदम ही ऑथेंटिक डिजिटल या फिर स्टीम कोड बाय कर सकते हैं, एंड बाय डूइंग दिस यू कैन हैव दिस गेम्स फॉरएवर इन योर लाइब्रेरी। और अगर आप इनमें से कोई गेम का कोड फ्री में जीतना चाहते हैं, देन ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट ऑन दिस वीडियो और मुझे बताएं कि इस लिस्ट में से आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं। आई विल चूज वन लकी विनर विद इन 24 आवर्स, जिससे आप इनमें से कोई भी गेम फ्री में ओन कर सकते हैं।
फिर आता है डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन, एन इंटरैक्टिव एक्शन एडवेंचर जो कि एक डिस्टेंट फ्यूचर की स्टोरी बताता है जहां रोबोट्स एके एंड्रॉइड्स आर वेरी कॉमन एंड लिविंग अमंग ह्यूमंस। अब इसकी स्टोरी में आप एक कैरेक्टर नहीं बल्कि तीन एंड्रॉइड्स को कंट्रोल करेंगे जहां आप इन तीनों की अमेजिंग जर्नी एक्सपीरियंस करेंगे वेर दे डेवलप फीलिंग्स एंड एम्पैथी लाइक अ रियल ह्यूमन। अब ये है तो एक इंटरैक्टिव गेम, तो मोस्ट ऑफ द चॉइसेस आपके हाथों में होगी जिससे हमें कहीं से डिफरेंट आउटकम्स मिलेंगे और ये सब चॉइसेस गेम के नैरेटिव पर बहुत ही हैवीली इंपैक्ट करते हैं। इसे रिलीज होके वैसे तो कुछ 4 साल हो गए लेकिन फिर भी ये गेम विजुअली आज के ट्रिपल ए गेम्स को टक्कर देता है जहां आपको स्टनिंग एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही डिटेल्ड कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। पर्सनली मैं डिसीजन बेस्ड गेम्स का बहुत बड़ा फैन हूँ और अगर आप इस जॉनरा से फेमिलियर नहीं है देन ट्राइंग दिस गेम वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर यू। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी क्रैश गेम नहीं खेला तो सबसे पहले मैं ये बता दूं दैट दीज गेम्स आर सम ऑफ द मोस्ट फन चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग गेम्स ऑफ ऑल टाइम और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं क्योंकि अगर आप क्रैश बैंडिकूट 4 खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाई दीज गेम्स आर सो पॉपुलर। इसके सारे पार्ट्स एक टाइम पर प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव हुआ करते थे लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स में वी गॉट देयर पीसी रिलीजेस जिसमें से क्रैश 4 इज समथिंग एवरी गेमर शुड चेक आउट। यहाँ आपको बेसिक प्लेटफॉर्मिंग के साथ कई से कूल एबिलिटीज देखने मिलेंगी जो कि इसके वैरायटी ऑफ लेवल्स के हिसाब से आपको यूज करना होगा। और अब लेवल की बात कर ही रहे हैं तो आई हैव टू स्पेसिफिकली प्रेज देम फॉर देयर डिजाइन एंड आर्ट स्टाइल जो कि हर न्यू एरिया को एक यूनिक और डिस्टिंक्ट लुक देता है मेकिंग द गेम हाईली एंटरटेनिंग। नेक्स्ट इज द लास्ट ऑफ अस। अब प्लेस्टेशन गेम्स पर वीडियो हो और ये टाइटल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। आई मीन अगर आप गेमिंग सीन से थोड़े भी फेमिलियर हैं, तो आपको पता ही होगा कि इस गेम का इंपैक्ट कितना बड़ा है इन द एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड आफ्टर 12 इयर्स सिंस इट्स ओरिजिनल रिलीज हमें फाइनली ये मास्टरपीस पीसी पर खेलने मिला है। अब इसका पीसी वर्जन एक कंप्लीट रीमेक है जहां एंटायरली न्यू मॉडल्स और बेटर टेक्सचर्स एंड लाइटिंग देखने मिलेगी और इसका कॉम्बैट और स्टेल्थ इतने सालों बाद भी उतना ही सेटिस्फाइंग है जो कि इवन आजकल के ट्रिपल ए गेम्स को टक्कर देता है वेर यू विल गेट सम ऑसम एनिमेशन एंड साउंड इफेक्ट्स। जो लोगों ने भी ये गेम अभी तक ट्राई नहीं किया देन प्लेइंग दिस वर्जन वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू क्योंकि ये इस गेम का मोस्ट डेफिनेटिव और फाइनल एडिशन है जो कि आपको बहुत सा एडिशनल कॉन्टेंट भी देता है। अगला गेम है रिटर्नल। 2021 का ये रोग लाइक थर्ड पर्सन शूटर इज सेट इन अ एलियन प्लैनेट जहां हम एक स्पेस पायलट बनके खेलेंगे हु स्टक इन अ टाइम लूप। अब मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं दैट दिस गेम इज नॉट फॉर एवरीवन क्योंकि ये कोई टिपिकल थर्ड पर्सन शूटर नहीं बल्कि यहाँ आप कई बार डेथ फेस करेंगे विच विल सेंड यू टू द बिगिनिंग। तो आपको इसे मास्टर करने में तो जरूर टाइम लगेगा बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट फिर आपको ये गेम बहुत मजेदार लगेगा जहाँ आपको वास्ट वैरायटी ऑफ वेपन्स और एनिमीज मिलेंगे जिन्हें आप इन ह्यूज इंटरकनेक्टेड एरियाज में फेस करेंगे और इन एरियाज को आप जेटपैक और ग्रैपलिंग हुक के हेल्प से एक्सप्लोर करेंगे एंड विल कलेक्ट यूजफुल रिसोर्सेज फॉर नेसेसरी अपग्रेड्स। इन शॉर्ट रिटर्नल कैन बी डिफिकल्ट एट टाइम्स लेकिन ये गेम उतना ही सैटिस्फाइंग भी है जहां यू विल गेट अ ग्रेट कॉम्बैट सिस्टम विद अमेजिंग विजुअल्स। अब इस नेक्स्ट गेम के बारे में मैं क्या ही बोलूं जो आप लोगों को नहीं पता। वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस सीरीज एंड इसका फोर्थ पार्ट जो कि 2018 में PS4 पर रिलीज हुआ था गॉट इट्स पीसी रिलीज आफ्टर 4 इयर्स। गॉड ऑफ वॉर का नैरेटिव ड्रिवन कैंपेन जो कि एक सिंगल कैमरा शॉट में प्रेजेंट किया गया है वाज अ ह्यूज गेमिंग अचीवमेंट जो कि आज तक भी कोई और गेम नहीं कर पाया। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट दिस गेम जहां आपको एक बेहतरीन स्टोरी के साथ साथ नियर परफेक्ट कॉम्बैट भी मिलता है। इतने सालों तक ब्लेड्स ऑफ केओस के साथ खेलने के बाद इसके मेकर्स ने क्रेटोस को एक न्यू वेपन दिया विच इंस्टेंटली बिकेम फैन फेवरेट बिकॉज ऑफ इट्स कूल मूव्स एंड रिकॉलिंग एबिलिटी। ऑल्सो आई गिव दिस वन शॉट बिकॉज मैं इस गेम के बारे में अपने चैनल पर ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूँ। सो इन शॉर्ट यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक ये गेम ट्राई नहीं किया देन यू आर ट्रूली मिसिंग आउट ऑन अ मास्टरपीस। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज मार्वल्स स्पाइडरमैन। 2018 में PS4 पर रिलीज होने के बाद हम सब PC यूजर्स को इस गेम का रीमास्टर्ड मिला इन 2022 एंड आफ्टर लिटरली कंप्लीटिंग दिस गेम ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स मुझे स्पाइडरमैन 1 अभी भी बेस्ट सुपर हीरो गेम लगता है इवन आफ्टर द रिलीज ऑफ इट्स सीक्वल।
मेरे हिसाब से तो हर गेमर को इसे एक ना एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए, स्पेशली फॉर इट्स ट्रेवर्सल। जहाँ इंसोमनियाक ने हमें वन ऑफ द मोस्ट स्मूदेस्ट स्विंगिंग सिस्टम दिया है, जो कि बेसिक फ्री रोमिंग को भी हाईली रिप्लेएबल बनाता है। इसके साथ साथ गेम का कॉम्बैट भी हाईली एडिक्टिव है, जहाँ आपको वास्ट वेराइटी ऑफ मूव्स और पावर्स मिलेंगे। और इन सब के अलावा यहाँ आपको एक बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी भी मिलती है, जो कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के साथ सम ऑफ द बेस्ट एक्शन सेट पीसेस प्रोवाइड करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ सुपर हीरो गेमिंग।